एक सरप्राइज रखी है मम्मी। क्या? आंख बंद करो, ले आते हैं। नया है, आज ही पापा खरीद के लाए थे, आई मीन मेरे ससुर जी। रियांस देख, आंख बंद करो, आंख बंद करो पहले। ये देख, हाय। अरे वाह मम्मी, तुम कितना अच्छा है। हम अच्छा है। और बेटा बहुत प्यारी, प्यारी है। इधर दिखाओ, इधर सबको दिखाओ, इधर दिखा। ये देखिए मेरा नया वाला। नया वाला? क्या नया वाला? खाने वाला। खाने वाला? बोलने में नहीं आ रहा बेचारा को। क्या खाने वाला बेटा? टिफिन में। टिफिन में ले जाने वाला। टिफिन में ले जाने वाला, अभी यहाँ तक आया है। और बता तुम क्या कहते हैं, सबको दिखाएगा। सॉस वाला। सॉस वाला? ये मैगी वाला। लंच बॉक्स। क्या बेटा? लंच बॉक्स। अच्छा, कैसा लगा सरप्राइज मम्मी का? अच्छा। अच्छा ना, थैंक यू बोलो। थैंक यू। हम प्यारी है ना? हाँ। थी नहीं है, है हम चल जाए बचरा ना। हम जा रहे हैं ना। आज तो चल जाएंगे ना। चल जाएंगे बचरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैं बता दूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब सासू माँ नहीं है, हस्बैंड नहीं है और बड़ा बेटा रियांश नहीं है। बाकी मैं हूँ, ससुर जी हैं और छोटा लाडो है, सोया हुआ है। तो सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि कोई नहीं है तो थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ और ब्लॉगिंग कर लूँ। तो सुबह हो गई है, चलिए देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं। तो गाइस, मैंने इंडक्शन यहाँ पे रखा हुआ है और रात का जो दूध है वो मैं खोला रही हूँ। उसके बाद मैंने चाय, मतलब अभी बना भी लिया, सुबह 4 बजे पापा पीते हैं तो उसी का ये पड़ा हुआ है। और अभी 7 बज रहे हैं तो फिर से एक बार बनाऊंगी, क्योंकि बाहर जितने दूध लेने वाले आते हैं तो वो कोई कोई चाय पीते हैं, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। इसमें फिर अभी वापस बनाऊंगी। और ये जो है मेरा पूजा रूम है, तो मैं इसमें थोड़ा झाड़ू मार दूँ। सबसे पहले उठ कर हमारे घर में यही काम होता है। ये जो थे वो अभी काम करने वाले थे, उन्होंने कटोरा के रखा, क्योंकि मैं इसमें वो दूध देते हैं चाय बनाने के लिए फटाफट से जल्दी जल्दी, तो वो कटोरा आके रखे। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या क्या बोलूँ। एक और काम है इम्पोर्टेंट, पूरे घर में जो है मैंने झाड़ू मार लिया पापा को जो है भी मार लिया इसमें भी। अब बालकनी में थोड़ा बहुत गाइस, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती बिना दुपट्टे वगैरह के, इसलिए मैं सीढ़ी तक ही मारूंगी। ये बाहर का नजारा, अब थोड़ा
पापा के दूध का हिसाब कर रही हूँ क्योंकि बिट्टू नहीं है तो ये काम भी करना है मुझे। क्या बोले थे अशोक सिंह, मेरे सिंह क्या बोले थे, मेरे सिंह 770। वैसे कितना तारीख है, याद नहीं है यार। अभी मुझे हीटर भी बनाना है, गॉड पागल होता है। गर्म भी है ये, यही पीता है। गाइस लाइट आ गया तो फाइनली मैंने हीटर भी बना दिया। अब नाश्ता पापा के लिए। डर लगता है इसलिए मैं लाइट का काट कर चढ़ाती हूँ। अरे मैं बनाऊंगी विंडो के लिए, आप लोगों को भी हमेशा भूलिया भिंडी का भुजिया जो है पापा का फेवरेट। जो नहीं बनाते हैं ना, ये नहीं बनाते हैं ना तो गुस्सा हो जाता है। ये बना सकते हैं इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी के बाद गाय के लिए दाना। हमारे यहाँ का काम है आपको फिर से बता दूँ, और छः गाय सात ही हैं, लेकिन एक मंदिर हाँ कुछ दिन पहले एक मंदिर है तो छः हैं अभी। तो छः मैं के लिए दाना मैं बनाऊँगी आज अकेले, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस मैं सब करने के लिए वीडियो को एंड कर देते हैं। बना रही थी, देखिए आप लोग दूध का खोया। अभी
ये चिपक गया अंदर से, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे ठंडा कर दिया। और बाकी आज फाइनली लग रहा है कि ये घर मेरा, मुझे शांति सुकून, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। सीधा मैं शर्माती नहीं झूठ बोलने में या सच बोलने में, जो भी सॉरी झूठ बोलने में कह रही हूँ, मैं सच बोलने में नहीं शर्माती। मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। ना कोई घर गंदा करने वाला, ना कोई काम देने वाला, आराम पूरे घर। ये ऊपर जाने का रास्ता मिलना है तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने भुजिया बना लिया और अभी मैं दारा बना रही हूँ गाय के लिए। ये दो गाय का है बस, अभी चार गाय के और बनाने हैं, ये सिर्फ दो गाय के हैं। बाकी आज मुझे नहा धोआ कर पूजा भी करना है। पूजा मैं बहुत कम कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना काम ही होता है, काम करते करते 2 बज जाता है या 12 बज जाता है, तो मैं पूजा नहीं कर पाती। मैं खा लेती हूँ उस दौरान क्योंकि भूख भी लग जाता है काम करते करते, और बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, तो सासू माँ ही पूजा करती है। क्योंकि आज वो नहीं है तो पूजा मुझे करना है, क्योंकि हम लोग कुल देवी का जो पूजा है वो हर रोज़ करते हैं, मतलब उनका जो पूजा रूम है वो हर रोज़ साफ किया जाता है। यही हमारे घर का पूजा का नियम है कि उनके पूजा रूम को पोछा मारना है और उनको प्रणाम करना है हर रोज़, तो इतना तो करना ही है। और बाकी जो उनका कुलदेवी माँ का उनका जो ठाट बाट से पूजा होता है वो हम लोग के यहाँ होता है होली के दिन, तो उसे पुजाई कहते हैं बिहार में, तो हमारे यहाँ पुजाई होती है होली के दिन। और बाकी पूरे साल तक आप अच्छे से नहा धोवा कर आप पूजा रूम में जाकर पोछा मार दीजिए और उन्हें प्रणाम कर लीजिए और धूप अगरबत्ती दूर से ही दिखा दीजिए, यही तो आज मुझे ऐसा ही करना है। बहुत लेट होने वाला है और मुझे भूख भी लगी है, लेकिन मैंने कंट्रोल किया है। मैं नाश्ता बनाऊँगी, फट से नहाऊँगी, पापा को नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद फट से नहा के पूजा करके खाऊँगी, तो मिलते हैं देखते हैं। अभी तो मैं बोल ही रही हूँ मगर इतने सारे काम दिख रहे हैं मुझे, अभी अभी तक नवाब सोए हुए हैं, अब उठेंगे तो मैं चलाएंगे। इसमें हीटर में लाइन मारता है तो रोटियां जो है उठाकर उसमें डालकर नहीं सेक सकते, इसलिए तवे पे ही हमें सेकना पड़ता है। और गैस हमारे घर में लगभग 8 दिन से खत्म है, क्या करूँ। पापा कह रहे कि 2 इंडक्शन है, एक हीटर है तो अभी गैस नहीं रुका, थोड़ी देर रुको थोड़ी देर रुको। ये सब खाना बनाने से जो बहुत धीरे धीरे काम था गैस, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब बना देती हूँ, लगभग 1 घंटे में। इसीलिए मैं इंस्टा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सारा दिन मुझे लाइन का वेट करना रहता है, मतलब बराबर लाइट कर गया तो इंतजार करो फिर आधा घंटा फिर 20 मिनट उसके बाद लाइट आएगी, तो मुझे प्रिपेयर रहना रहता है कि कब लाइट आए कब लाइट करे ताकि मैं अपना जो है बनाने का वो बना लूँ। तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं हो जा रहा है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा। ससुर जी का भी कहना ठीक है क्योंकि घर में इंडक्शन है, 2 हीटर है, तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो है 5 चूल्हे हैं, तो वो कहते हैं कि इतना चूल्हा पे खाना नहीं बन रहा है, एक दो दिन कैसे रहेगा, तो क्या मतलब खाना नहीं बनेगा क्या, सुख सीख के आई हो तो गुस्सा करने लगते हैं, मतलब सोचा चलो ये सब मैनेज करते हैं। ससुराल में बहुत टेंशन है, अगर आप लोग इसी तरह पे खाना बनाते हैं तो बच्चे बनाने के बीच में बहुत लाइक लाइन आता है। और हाँ, अगर आप पूरी तरह से सीखे हुए हो मेरी तरह, क्योंकि मुझे इसमें ABCD तक आता है, मेरे मायके में भी इसी पे खाना बनता था, क्योंकि वहाँ कोठी डरिया है तो लाइट कभी कट कर दी, तो पूरे शहर में वहाँ पे एक हीटर यूज़ करते हैं, ये यूज़ नहीं करते, गैस यूज़ नहीं करते, गैस सब लोग घर है मेरे यहाँ भी है, लेकिन शो में वो सब रखा रहता है और लाइट कटती नहीं है, बाई चांस 5-10 मिनट में कटती है, तो हीटर सब गैस यूज़ होता है होना होता है, तो अभी तो वैसे ही पड़ा रहता है। और बाकी तो वहाँ ऐसा है कि हर एक घर में 2 से 3 हीटर है, 2 हीटर चालू है, लाइट फ्री का है, कोई सरकार ने दे दिया तो यूज़ करते हैं, जैसे कि माइका होता है कुछ भी बात पे याद आ जाता है, हमारा माइका तो बहुत स्पेशल है। मेरा मोहल्ला है ना, मेरे मोहल्ले मतलब हम लोग का घर के पास काली माँ का मंदिर है, तो जो मेरा घर है ना वो काली मंदिर मोहल्ला कहलाता है, तो
तो मैं सोचती हूँ कि वाह मेरा घर भी कितना अच्छा है, वहाँ मैके वाला की मेरे घर को भी काली मंदिर का नाम दिया जाता है, कोई इस बार बनाया है हाँ तो सभी तरीके नहीं कर रहा हाँ काली मंदिर है बड़ा मजा आता है। मैं सोच रही थी मेरा घर भी काली मंदिर के मतलब हम थोड़े जितने भी मौके वाले हैं ना सब काली मंदिर जो काली मंदिर पड़ता है वो काली मंदिर के खाता है, बड़ा मजा आता है यार लाइट नहीं करती कभी बहुत मजा आता है। अभी फेस्टिवल का समय स्टार्ट हो गया ना जैसे कि सितंबर आ गया तो विश्वकर्मा पूजा उसके बाद विश्वकर्मा पूजा जो स्टार्ट रहता है पूरा रोड सजा रहता है वो छठ के बाद खत्म होता है। भाई कहाँ फंस गए यहाँ पे, यहाँ तो कोई फेस्टिवल मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल यहाँ सिर्फ इनके यहाँ फेस्टिवल खाना बना खाओ खाना बना खाओ ये फेस्टिवल है पता है आप लोगों को ज़्यादा बोर कर दिया मैंने तो थोड़ा ठीक है आप ड्रेस ले लीजिए आप रोटी बना के देते हैं क्या करते हैं आप लोगों को दिखाएंगे ओके।